हनुमान चालीसा में छुपे जीवन प्रबंधन के अद्भुत रहस्यों को खोजने की इसी कड़ी में चालीसा की अगली चौपाइयों की तरफ बढ़ते हैं। अगली चौपाई है, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसका साधारण अर्थ ये हुआ कि हनुमान के पास हर व्याधि के लिए राम रसायन है और हनुमान हमेशा राम के दास हैं। ये चौपाई हनुमान के दासत्व भाव को दर्शाती है। महाशक्तिशाली होने के बाद भी हनुमान खुद को राम का दास ही कहलवाना पसंद करते हैं। हनुमान भक्ति अवतार हैं और एक आदर्श सेवक कैसा होना चाहिए ये हनुमान से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसके अलावा उनके पास राम रसायन भी है। राम रसायन ऐसा है मानो कल्पवृक्ष। जैसे कल्पवृक्ष मनुष्य की हर इच्छा को पूरी करने में सक्षम होता है, वैसे ही राम रसायन इंसान के हर व्याधि को हरने में सक्षम है। ये रसायन हनुमान के पास है, इसीलिए वो अपने भक्त के हर दैहिक और मानसिक व्याधि को हर लेते हैं। अगली चौपाई है, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इस चौपाई का अर्थ यह है कि हनुमान जी को भजकर मनुष्य श्री राम को प्राप्त कर लेता है और उसके जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं। मतलब यह है कि भजन अगर दिल से गा लिया जाए तो भजन ही प्रभु प्राप्ति की सीढ़ी बन जाता है। लेकिन भजन हम सभी कभी न कभी गा लेते हैं और हमें परमात्मा की कोई झलक कभी दिखलाई नहीं देती। ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए एक कहानी सुनते हैं। सम्राट अकबर के दरबार में नौ रत्नों में से एक थे तानसेन। वो गायन के सम्राट थे। एक दिन बादशाह तानसेन का संगीत सुन रहे थे और उनका मन अत्यधिक प्रसन्न हो उठा। प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने कहा, तानसेन सचमुच तुम्हारे संगीत में जादू है। मेरे विचार से इस संसार में तुम्हारे जैसा संगीत, तुम्हारे जैसा गायक मिलना दुर्लभ है। तानसेन ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ। बादशाह ने कहा, तुमसे भी अच्छा कोई गाने वाला है क्या? तब तानसेन ने कहा, हाँ बादशाह, मेरे से अच्छा गाने वाला अभी भी इस संसार में मौजूद है। बादशाह की जिज्ञासा बढ़ने लगी। उसने पूछा, कौन है वो? तानसेन ने कहा, वो मेरे गुरुदेव हैं। उनका संगीत आपने अब तक सुना नहीं है, यदि आप उन्हें सुन लेते तो ये बात कदापि नहीं कहते। बादशाह को अब तानसेन के गुरु का संगीत सुनने की इच्छा जगी। तब तानसेन ने कहा, अगर आपको उनका संगीत सुनना ही है तो आपको उनके पास जाकर सुनना पड़ेगा। किसी के कहने से वो गाते नहीं, आप हुक्म देंगे तो भी वो गाने वाले नहीं हैं। आपको उनके पास जाकर प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसे वो किसी के लिए गाते नहीं, लेकिन वो गा लें और कोई सुन ले ये बात अलग है। अकबर बोला, मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हारे गुरु का संगीत सुनना ही है। तब तानसेन ने कहा, ठीक है, सुबह तैयार रहिएगा। यमुना किनारे उनकी झोपड़ी है, मैंने पता लगवाया है कि सुबह सुबह अक्सर वो भजन गाते हैं। अगले दिन अकबर और तानसेन दोनों वेश बदल कर जाते हैं और गुरुदेव का संगीत सुनने के लिए झोपड़ी के पास झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं। गुरुदेव ने यमुना में स्नान किया और आते ही तान छेड़ दी। उनका गायन इतना दिव्य था कि अकबर की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जब तक उन्होंने भजन गाया, अकबर रोता रहा। उसके पश्चात वो वापस महल लौट आते हैं। पूरे रास्ते अकबर चुपचाप रहता है। दिन में सभा के दौरान अकबर तानसेन से कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा था तानसेन, गुरुदेव का संगीत सुनने के पश्चात अब लगने लगा है कि तुम्हारे संगीत में थोड़ा कच्चापन है। गुरुजी के संगीत में ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है? तुम्हारे संगीत में थोड़ी कमी कैसे रह गई? इस पर तानसेन ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। तानसेन ने कहा, बादशाह सलामत, उसका कारण है, मेरा जो संगीत है वो इसलिए है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए और गुरुजी का संगीत इसलिए है कि उन्हें कुछ मिला है, इसलिए वो गा रहे हैं। मेरा संगीत दिल्ली के बादशाह को खुश करने के लिए है, जबकि गुरुदेव का संगीत दुनिया के बादशाह को खुश करने के लिए, इसलिए अंतर होना बहुत स्वाभाविक है। तो इस तरह का भजन अगर कोई गाए तो उसका हनुमान के साथ ही राम से मिलन होना पक्का है। चालीसा की बची हुई चौपाइयों में छुपे रहस्य अगले वीडियो में खोजेंगे। वो संभवतः हनुमान चालीसा की इस कड़ी का आखिरी वीडियो होगा। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय सियाराम।